सो हेलो गेमर्स, टुडे हम बात करेंगे आप अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में एश क्रिकेट 2009 को कैसे खेल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ, जो सेटअप में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में एश क्रिकेट 2009 को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सी यूट्यूबर्स ने बहुत सी वीडियोज़ डाली है, मैं देख चुका हूँ कि उनमें बट सही से बैटिंग नहीं हो पा रही है, बॉलिंग नहीं हो पा रही है, बट जो सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सेटिंग्स आप परफेक्टली एश क्रिकेट 2009 को इजीली खेल सकते हैं विदाउट एनी लैग। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। आपने एक स्टेप भी मिस किया तो गेम ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी, गेम रन नहीं कर पाएगी स्मूथली। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने डाउनलोडिंग प्रोसेस पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉल्फिन इमुलेटर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपके जाने के बाद आपको जनरल में जाना है। जनरल में डुअल कोर इसको भी टिक रखना है। ओवरराइड इम्युलेटेड क्लॉक स्पीड इसको भी आपको टिक करना है। इम्युलेटेड सीपीयू क्लॉक स्पीड इसको अपने 100 पे रखने देना है, और स्पीड लिमिट भी 100 पे ही होगी। और जिसको मैंने टिक रखा है आपको भी सेम उसको टिक करना है। ऑडियो स्ट्रेचिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियो के लिए, वरना आपका ऑडियो बहुत ही स्टर होगा, लैग हो, क्रैश हो सकता है, इसको आप टिक करना है। और ऑडियो बैकएंड ये भी इम्पोर्टेंट है, ये डिफ़ॉल्ट ओपन SLS पे होता है, आपको क्यूबिक पे रखना है। सो फिर बैक करना है। बैक करने के बाद आपको ग्राफिक सेटिंग्स करनी है। ग्राफिक सेटिंग्स में अपना वीडियो बैकएंड ओपन GL पे रखने देना है। शेडर कॉम्प्लीशन मोड इसको अपने पहले वाले ऑप्शन पे ही रखना है। सेम बिल्कुल वैसे ही सेटिंग्स करना है गाइस, वरना आपकी गेम क्रैश भी हो सकती है। सो एस्पेक्ट रेशियो आपको क्या रखना है, स्ट्रेस टू विंडो रखना है, और डिस्प्ले स्केल 100 पे रखनी है। सो फिर भी बैक करना है। तो गाइस उसके बाद आपको जाना है इन्हेंसमेंट में। इन्हेंसमेंट में जाने के बाद आपको मिलेगा इंटरनल रेजोल्यूशन। सो ये डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस हाई एंड है। अगर आपका डिवाइस 4GB एबो है तो आप 2x पे भी जा सकते हैं। 2x पे जा सकते हैं इफ़ योर डिवाइस इज़ मोर देन 4GB रैम। इफ़ योर डिवाइस इज़ नॉट 4GB रैम देन आई रिकमेंड कि आप 1x या 1.5x सिलेक्ट कर सकते हैं। 1x पे आपको आपकी गेम बहुत ही स्मूथली रन करेगी। और अगर आपका डिवाइस 6GB के ऊपर है और आपका प्रोसेसर 845+ है तो 2x 3x पे भी आप इजीली जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी गेम स्मूथली रन करेगी। सो मैं रिकमेंड करूँगा 4GB 6GB रैम 1x और 1.5x ही सिलेक्ट करें। सो उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, ये ऑफ रखना है, ऑफ ही रखना है। और उसके बाद आता है स्कैल्ड या भी कॉपी, इसको आपको टिक रखना है। सेम जिसको मैंने टिक रखा है आप भी उसको टिक पे ही रखना है, आप देख सकते हैं। सो फिर से हमें बैक करना है। सो उसके बाद हमें करनी है हैक्स की सेटिंग्स। हैक्स की सेटिंग्स में आपको सबको टिक करना है गाइस, विदाउट GPU टेक्स्ट रिकॉर्डिंग इसको आपको टिक नहीं करना, बाकी सबको टिक करना है। फिर से हमें बैक करना है। तो हमारी सेटिंग ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। सो अब हम गेम को ओपन करते हैं गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गाइस। यहाँ से आपको क्या सेटिंग्स करनी है ध्यान से सुनना। ऊपर से थोड़ा सा स्लाइड करके आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टच स्क्रीन इमुलेटर को आपको स्टिक पे रखना है। स्टिक पे जब आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं ओके दिख रहा है, इस ओके पे आपको जाना है। आपको बस अपनी थंब को मूव करना है, तो ये पॉइंटर भी जो है ये वैसे ही मूव करेगा जैसे आप अपनी थंब को करेंगे। सो इसके बाद आपको ओके पे इस पॉइंटर को लाना है, ए पे क्लिक करना है गाइस। उसके बाद आपको प्रोफाइल वगैरह बनाना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस मैं रैंडमली टीम्स को ले रहा हूँ।
सो गाइस अब देख सकते हैं हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही गेम स्मूथली रन कर रही है। सो मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल्स क्या है बैटिंग और बॉलिंग के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही बता दिया था आपको, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके जॉयस्टिक इमुलेशन में जाना है और वी स्विंग को सिलेक्ट करना है। वी स्विंग को सिलेक्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पे दो जॉयस्टिक्स जो होंगे ऐसे, जो मैंने एक साइड पे रखी है और ये इसका मेन यूज़ है इस गेम में, और जो मैंने साइड में रखी है इसका कोई भी यूज़ नहीं है, और अभी इसको साइड में ही रख सकते हैं बिकॉज इसका कोई भी यूज़ नहीं इस गेम में। इसको बैटिंग और बॉलिंग आपको दोनों ही इसी जॉयस्टिक से करनी है जो मैंने यहाँ पर रखी है, और डी पैड ए बी और माइनस और प्लस का यूज़ होगा बैटिंग और बॉलिंग में। सो चलिए मैं इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपको मैं पहले दिखाऊंगा कि बैटिंग के कंट्रोल्स क्या है, बैटिंग कैसे करनी है। सो गाइस तो मैच स्टार्ट हो चुका है, तो अब मैं आपको बताऊंगा बैटिंग कैसे करनी है, बैटिंग के कंट्रोल्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि बैटिंग के कंट्रोल्स क्या है। डी पैड जो है ये शॉर्ट डायरेक्शन में यूज़ होता है, शॉर्ट डायरेक्शन कहाँ रखनी है आपको ये उसी में यूज़ होता है, और ये जो है ये जॉयस्टिक इससे शॉर्ट लगता है, और ए और बी, बी से लॉफ्ट शॉर्ट लगता है और ए से डिफेंस होता है। सो इसको आपको कैसे यूज़ कर रहे हैं मैं बताता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं बॉलर बॉलिंग करने के लिए आएगा, तो डी पैड को आपको डाउन सेलेक्ट करना है और इस पॉइंटर को उस डायरेक्शन में लेना है जहाँ पे आपको शॉट मारना हो। ऐसे आप देख सकते हैं गाइस मैंने इसी डायरेक्शन में पॉइंटर को रखा तो एरो भी उसी डायरेक्शन में गया, वहीं पर शॉट भी मारा बैट्समैन ने। सो अब क्या करना है, अब मैं आपको बताऊँगा कि ए से डिफेंस कैसे करना है। इसको आपको पहले ही होल्ड पे रखना है, पहले शॉट सिलेक्शन को सिलेक्ट करना है, एक होल्ड रखना है और बी से टाइम करना है। तो आपने देखा कि बैट्समैन ने डिफेंस किया, सो ऐसे ही आपको भी करना है सेम। अब आपको बताऊंगा कि लॉफ्ट शॉट कैसे खेलना है। सो सेम ऐसे ही पहले आपको डायरेक्शन चूज़ करनी है, मैं आपको शॉट खेल के दिखाता हूँ, फिर बी को होल्ड करना है और जॉयस्टिक को शेक। सो आप देख सकते हैं बैट्समैन ने लॉफ्ट शॉट खेला है, मैंने सही से टाइम किया इसीलिए सिक्स किया, वरना आउट भी हो सकता था इफ़ यू मिस टाइम द शॉट। सो ऐसे ही सेम आपको करना है। सो हो गया, लॉफ्ट भी हो गया और डिफेंस भी बता दिया मैंने कैसे खेलना है। अब बात करेंगे कि बैट्समैन स्ट्रोक कैसे खेल सकता है। स्ट्रोक खेलने के लिए आपको सीधे डायरेक्शन चूज़ करनी है पहले ऐसे, और सिर्फ जॉयस्टिक को शेक करना है ऐसे। आप देख सकते हैं कि बैट्समैन ने स्ट्रोक खेला है, और रन भी बी से लेने हैं और कैंसिल ए से होता है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। सो ऐसे हो गया, ये हो गई हमारी बैटिंग। आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही आपको भी करनी है। सो गाइस ये हो गई हमारी बैटिंग। सो गाइस अब बात आती है कि हमें बॉलिंग कैसे करनी है, बॉलिंग के कंट्रोल्स क्या है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। सो सबसे पहले क्या करना है, मैं इस पॉइंटर को मूव करना है बॉल पे। सो फिर ए पे क्लिक करना है। सो बॉलिंग कैसे करते हैं मैं पहले बता दूंगा आपको। सो आपको बॉलिंग कैसे करनी है,
सो आपको क्या करना है गाइस, जैसे ही बॉलर रन करेगा बॉलिंग करने के लिए, जब भी वो क्रीज तक पहुंचने वाला हो, तो आपको क्या करना है, जॉयस्टिक को शेक करना है गाइस। हाँ, जॉयस्टिक को शेक करते ही वो बॉल रिलीज कर देगा। तो ऐसे आपको बॉलिंग करनी है, ए से स्लोअर बॉल होगी और बी से फास्ट बॉलिंग होगी। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो इससे आपको पोजीशन करनी है, जैसे मैंने बताया था इस पॉइंटर से। सो ये देख सकते हैं, मैंने परफेक्टली बॉल को रिलीज किया। सो आपको क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी बॉलर बॉल करने के लिए जाएगा, बॉलिंग करने के लिए जाएगा, तो आपको क्या करना है, जब भी वो क्रीज तक पहुँचने वाला, तो उससे पहले ही आपको जॉयस्टिक को शेक करना है, तो बॉल रिलीज होगी। अब बात करते हैं स्लोअर बॉल और फर्स्ट बॉल के बारे में। तो फर्स्ट बॉल और स्लोअर बॉल कैसे करनी है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोजिशन लेनी है बॉल की, तो ए पे होल्ड करना है और जॉयस्टिक को शेक करना है। तो इस ये देखा आपने, बॉलिंग स्लोअर हुई, स्लोअर बॉल डाली बॉलर ने। तो बात करेंगे, सो उसके लिए कि आपके क्या करना है, ए पे होल्ड करके रखना है, होल्ड करने के बाद आपको जॉयस्टिक को शेक करना है ऐसे। तो ये स्लोअर बॉलिंग हुई। अब बात करेंगे फास्ट बॉलिंग की। सो आपको क्या करना है, बी को होल्ड पे रखना है और जॉयस्टिक को शेक करना है। सो ये फास्ट बॉलिंग हुई, फास्ट बॉलिंग भी ऐसे ही है सेम, बस बी को होल्ड करना है तो फास्ट बॉलिंग होगी, और ए को होल्ड करेंगे तो आपकी बॉलिंग स्लोअर बॉल्स डालेगा बॉलर। सो ऐसे बॉलिंग है, और ये कर्सर को मूव कैसे करना है आपको, ये भी मैं बता दूंगा। ये देख सकते हैं गाइस, मैंने परफेक्ट बॉल डाली। जब आप 3 डिलीवरीज कंसिस्टेंटली परफेक्टली डालेंगे, तो आपको एक स्पेशल डिलीवरी मिलती है। सो वो कैसे डालें, आपको ए और बी को टुगेदर क्लिक करना है, टुगेदर होल्ड पे रखना है, तो आपकी बॉल परफेक्टली रिलीज हो जाएगी स्पेशल डिलीवरी में। सो अब क्या करना है गाइस, वो प्लस और माइनस का क्या काम है। सो प्लस में, प्लस माइनस बॉलर राउंड द विकेट बॉलिंग करता है, ये देख सकते हैं। सो ये हो गई हमारी बॉलिंग भी, और बैटिंग भी हो चुकी है हमारी। सो इसी तरह आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करनी है। सो इजीली समझा चुका हूँ गाइस। सो इसके बाद भी अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सेटिंग में, किसी भी कंट्रोल्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो इसके लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।